एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। पटना में रूपेश हत्याकांड को हुए 40 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं, लेकिन बिहार पुलिस अभी भी खाली हाथ है। बिहार की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच आपका चैनल एबीपी न्यूज इस खबर पर लगातार बना हुआ है। सवाल यह है कि क्यों रूपेश के हत्यारे अभी तक खुले घूम रहे हैं, क्यों हत्यारों में कानून का खौफ नहीं था। पटना जो बिहार की राजधानी है, कम से कम यहाँ पर तो कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। लेकिन रूपेश की सरेआम हत्या के बाद सवाल उठने लाजमी है। पुलिस और सरकार पर उंगली उठनी लाजमी है, क्योंकि सवाल एक परिवार के चिराग के बुझ जाने का नहीं है, सवाल इंसाफ का है। हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने इस हत्याकांड को लेकर हमें एक रिपोर्ट भेजी है जो बड़ा खुलासा करती है। पहले वो हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। रुपेश के हत्यारे कहाँ हैं? इसी गली में हत्या हुई थी और इसमें जो अपार्टमेंट जिसमें रुपेश रहते थे उसका सीसीटीवी खराब था, लेकिन एक और सीसीटीवी दिख रहा है और इस अपार्टमेंट में करीब 10 या 15 मकान के बाद में एक सीसीटीवी जो गली की ओर ही वो उसका एंगल किया हुआ है और इस सीसीटीवी में राज दफन है उन अपराधियों का। लेकिन क्योंकि शाम का वक्त था, करीब 7 बज रहे थे, तो उस वक्त जो हमें जानकारी मिली है सीसीटीवी के फुटेज में कुछ धुंधलापन है, साफ साफ दिख नहीं रहा। लेकिन एक जो चश्मदीद है वो ये कह रहा है कि उसमें दो बाइक दिख रहा है और उस पर कुछ सवार लोग दिख रहे हैं, लेकिन बाइक का स्पीड इतना ज़्यादा था कि उसमें तुरंत देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि क्या है। आखिर वो अपराधी कहाँ से आए थे और कहाँ गायब हो गए, पुलिस जरूर तलाश रही है। और इस सीसीटीवी फुटेज जहाँ से लिया गया है, जो पासवर्ड है उसे बदल दिया गया है और पुलिस के पास ही वो सारी जानकारी है, वो सीसीटीवी फुटेज है। और ये बताया जा रहा है कि इस फुटेज के आधार पर भी पुलिस छापेमारी कर रही है, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लेकिन अब तक पुलिस के पास अपराधियों के पुख्ता कहाँ पर है ये जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज पटना। रूपेश की हत्या के बाद छपरा में उनके गांव में मातम पसरा हुआ है। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हर कोई एक ही सवाल कर रहा है कि आखिर रूपेश ही क्यों, जिस इंसान की आज तक किसी से कोई बहस भी ना हुई हो, आखिर उसके साथ इतनी बेरहमी क्यों की गई और किसने की। हाथ तभी ने गोली मारा। ये एक बेसुध परिवार की चीखें हैं जिसने अपने लाल को खो दिया है। ये उन बच्चों की आंख से बहते आंसू हैं जिनके सिर से पिता का साया उठ चुका है। ये उस बुजुर्ग पिता की बेबस आवाज है जिसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। ये रूपेश से जुड़े उस इंसान की आह है जिनसे उनके घर का सबसे रोशन चिराग छिन गया। पटना में इंडिगो फ्लाइट मैनेजर रूपेश की हत्या की खबर मिलते ही पूरे परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। कलेजा चीर देने वाली ये चीखें रो रो कर बस एक ही सवाल पूछ रही है कि आखिर रुपेश की हत्या क्यों कर दी गई। रुपेश के परिवार से लेकर उसके जानने वाले सब यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर रुपेश से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। आपकी जानकारी में ऐसा कोई मसला, कोई रंजिश? नहीं, मेरे जानकारी में कोई ऐसा साजिश या रंजिश नहीं है। ये नीतीश सरकार जो सुशासन की सरकार है उनसे हम लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मान लीजिए हम लोग को इसके लिए न्याय जरूर से जरूर दे। अच्छा व्यवहार था, इस लिबरल थे इसलिए सब लोग का चहेता हुए। ना उनके नेतागिरी से कोई रिलेशन था, ना कोई उनको अथी से रिलेशन था। सब लोग को अच्छा आदर स्नेह देते थे इसलिए वो सामाजिक आदमी बने थे और समाज के हम लोग। कुछ नहीं था, बहुत सीधा लड़का था, कोई दुश्मनी नहीं था। कहीं भी आप पता कर लीजिएगा, कुछ भी दुश्मनी, एकदम सीधा लड़का, इसीलिए ऐसा हो गया उसके साथ। पूछ लीजिए सब माता लोग से, बहुत सेवा करता था, छठ पूजा में आके सब लोग कपड़ा बांटता था, नारियल सब चीज बांटता था।
रुपेश के भाई हो या बहन, सबका यही मानना है कि रुपेश काफी मिलनसार और सबकी मदद करने वाले थे। उनकी कभी किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरह रुपेश की हत्या हुई है वो दिखाता है कि अपराधियों ने बाकायदा प्लानिंग करके इस हत्या को अंजाम दिया है। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो के स्टेशन मैनेजर पद पर तैनात रुपेश को बड़ी हस्तियों के साथ तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक था। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, लालू यादव, तेजस्वी, मनोज तिवारी, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, मनोज वाजपेयी, राजीव प्रताप रूडी, शाहनवाज हुसैन, यानी लगभग हर बड़े नेता और कलाकार के साथ रुपेश अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। कुछ शाहनवाज हुसैन यकीन नहीं कर पा रहे कि रुपेश की हत्या भी हो सकती है। जो अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो कहीं भी होंगे, पाताल में भी, तो उनको तलाश कर निकाला जाएगा और उनको फांसी के उसको सूली पर चढ़ाया जाएगा। रुपेश कुमार बेहतरीन इंसान थे, हम सबके मित्र थे। पटना में कोई भी व्यक्ति जाए उसको वो बहुत हंसकर मिलते थे, उनका किसी से बैर हो ही नहीं सकता। रुपेश पत्नी और दो बच्चों के साथ पटना में रहते थे और बाकी परिवार छपरा में रहता था। परिवार का दावा है कि वो हमेशा गांव आकर लोगों की मदद करते थे। जिसकी कभी भी किसी से कोई रंजिश नहीं रही हो, उसकी फिर इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल सरकार पर भी है, जो अब तक हत्यारों के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाई है। रुपेश कुमार के घर में, उनके गांव सौढ़ी में उनकी मौत की खबर सुनके बिल्कुल मातम पसरा हुआ और सबके चेहरे पर सवाल ये है कि आखिरकार रुपेश कुमार की हत्या क्यों हुई। आस पड़ोस और घर वालों के मुताबिक रुपेश एक मिलनसार व्यक्ति थे और ऐसे में उनकी हत्या घात लगाकर प्लान करके तहत हुई है, तो ये वाकई शासन और प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। सामाजिक काम से जुड़े रहने वाले रुपेश अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं। जब तक पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंचती, तब तक ना तो परिवार को इसका जवाब मिल पाएगा और ना ही जनता को।